हेलो दोस्तों, यूज़फुल ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लेनोवो K3, इसको मॉडल बोलते हैं K50A40, तो उसे हमें जीमेल बाईपास करना है, तो उसे कैसे करेंगे। पहले मैं यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ इंग्लिश, यस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका जीमेल बाईपास नहीं हो रहा। आप अपना जीमेल डालें फिर भी बाईपास नहीं होगा, तो ठीक है, हम पहले पीसी पर जाते हैं और क्या करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पीसी पर जाने के बाद हम देखेंगे कि इससे बाईपास कैसे किया जाता है। थैंक यू। में आपको स्कार्टर लोडिंग करना है। स्कार्टर लोडिंग पर आपको डेस्कटॉप पर जाना है, जहां हमारा फाइल है वहीं जाना है। पेटी मोड और इंसर्ट केबल, यूएसबी केबल इंसर्ट कीजिए आप। यूएसबी भी केबल किया है, फॉर्मेट होकर फ्लैश होना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस चीज़ को दोस्तों आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लॉक्स हो वगैरह वगैरह। अगर आपका फ़ोन सही चल रहा हो तो प्लीज़ इसे इस्तेमाल मत कीजिए, इसे फ़ोन आपका डिवाइस जो है डैमेज भी हो सकता है, इसलिए जो प्रॉब्लम हो तो ही इसे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ डन हो चुका है, अब आप अपना फ़ोन डिसकनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूले। क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे भी मैं ऐसे वीडियो भेजूँगा आपको, तो आप तक सीधे तौर पर पहुँच जाएंगे। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमने जो कंप्यूटर को अपडेट किया उसके बाद जो है वो लॉक जो है वो रिमूव हो चुका होगा। आप देख सकते हैं आपका फ़ोन चालू होने में कम से कम 5 या 6 मिनट लगेंगे, तो फ़ोन जो प्रोसेस होगा आफ्टर फ्लैश बनने के बाद जो चालू होगा वो कम से कम 5-6 मिनट लेगा, उसके बाद ये प्रोसेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट स्किप एंड स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आपका जो जीमेल बाईपास है ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। ये फ़ोन जो है आपका लॉक जो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिए इस ट्रिक को, अन्यथा आपका फ़ोन जो है वो डैमेज हो सकता है इस चीज़ में, ठीक है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियो भेजता रहूँगा तो आप तक वो पहुँच जाएंगे। थैंक यू।